घर शौचालय अभियान के तहत भ्रष्टाचार की चपेट से बनाए गए शौचालय अब अपने असली रूप में टूटा पड़ा है, जिसकी चपेट में आने से मासूम बालक बाल बाल बच गया, जिसके चलते अब इस परिवार के लोगों को शौच के लिए सुलभ पर सहारा लेना पड़ रहा है। स्वच्छ शहर सुंदर शहर के नारों के साथ ही शहर को शौच मुक्त बनाने नगर निगम द्वारा हर घर शौचालय अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ियों सहित शहर के प्रत्येक घरों में जहां शौचालय निर्माण ना होकर बाहर शौच के लिए जाने से रोकने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण करवाया गया था, जिसके चलते घटिया तकनीकी और खराब मटेरियल से निर्माण कराए गए शौचालय अब अपनी असली स्थिति में टूटे पड़े नजर आए। ये मामला दुर्ग के वार्ड 2 सरस्वती नगर के शशिकला नेताम के घर का है, जहां उसका 5 वर्षीय पोता शौच के लिए शौचालय में बैठा ही था, वही बच्चे के निकलते ही शौचालय अचानक भरभराकर धसक पड़ा, जिसके चलते एक अनहोनी से परिवार वाले भगवान के आशीर्वाद से तो बच गए, अब घर में बिना शौचालय के दिन बिता रहे हैं। वहीं शशिकला नेताम ने बताया है कि घर में कुल 9 सदस्य हैं, जिनको अब घर से 500 मीटर दूर सरकारी शौचालय का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही इस लगातार बारिश के चलते शशिकला नेताम का घर भी तरबतर हो गया है, छत से टपकता पानी और सीढ़न से घर की हालत बहुत खराब है, जिसका किसी जनप्रतिनिधि व निगम प्रशासन द्वारा अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ित परिवार की शशिकला नेताम व उसकी बहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये 2016 में बनी से और बने के बाद ना ये तीन परसों गिरे ही है, परसों गिरी से और ये बच्चा है ना लेटरिन गिरी से, शौचालय गिरी से, तो कर बाद जैसे वो निकली से ये यार गिर गए। तो इसको देखने के लिए कोई आया निगम का या कुछ नहीं, कोई नहीं आया, पार्षद आ रही से क्या बोले, कुछ बोला कुछ? पार्षद बोले कि पटवारी के पास दे दो आवेदन करके, मैं पटवारी के पास में नहीं जाके वो आहेल बोले पार्षद ला तो ले जाके आवेदन दे। पता नहीं भैया, एक तो 4-5 दिन से रोज बारिश होती है ना, पता नहीं मोर लड़का भी गिरी सेफ्टी के अंदर में, जैसे ही गिरी तो फिर बाद में सेफ्टी नीचे आ गया पूरा दर्द। तो उसके पहले भी मतलब और कुछ इस तरह का मतलब कुछ नहीं, इसमें मतलब अचानक से इसको पता नहीं सरकार की, मतलब पहले से मेरे लड़का ला मतलब बता दे रहे हैं कि वो सेफ्टी में मत जाए, मेरे कुछ गड़बड़ लगा तो सेफ्टी का बता दे रहे हैं, जैसे वो लिखी तो हादसा हुई सेफ्टी से। मैं ये चाहता हूँ कि जो ठेकेदार ये जो सुलभ शौचालय बनाया गया है, ये बहुत घटिया तरीका से बनाया गया है, जिसमें आज बच्चे का जान जाते जाते बचा हुआ है। सोच गया था बच्चा, सोच से निकलते हुए अचानक ये घटना हुई है, जिसमें ये नगर निगम महिला सहायता समूह के माध्यम से प्रधानमंत्री सुलभ योजना के तहत बना गया है, और ये सब जो काला बाजारी के चलते सीमेंट ये सब बचाने के चलते में आज ये घटना हुई है, और ये बच्चा जो है आज नया जिंदगी हुआ है। क्या चाहते हैं आप इसमें? नगर निगम के शासन प्रशासन हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको बारीकी से सब चीज़ को ध्यान देते हुए ये घटना दोबारा न हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।